सो गाइस, बिग बॉस ने तो घर के अंदर दो छोटे बच्चों को भेजा था, मगर घर वालों ने तो उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया। तो चलिए जानते हैं आखिर कंटेस्टेंट्स ने बच्चों के साथ ऐसा क्या किया। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिग बॉस ने घर के अंदर दो छोटे बेबीज को भेजा है और इन्हीं बेबीज को लेकर एक टास्क भी दिया था। टास्क हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया है, मगर टास्क के दौरान घर वाले पूरी तरीके से पागल हो गए थे और निक्की और उसके पूरे ग्रुप ने घर वालों की नाक में दम कर दिया था। और इस टास्क के दौरान हमें काफी ज्यादा हाथापाई, धक्का मुक्की और बेबीज के साथ भी हमें फिजिकल होते हुए दिखाई दिए घर वाले। यहाँ तक कि निकिता ने तो अपोजिट टीम के बेबी का पैर ही उखाड़ दिया था, जिस पर निकिता को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। और छोटे से छोटी बात पर घर वालों के पॉइंट माइनस हो रहे थे। और जब बेबी का लंगोट बदलने का टाइम आया, तब अरबाज ने फोर्सफुली डोर को बंद कर दिया था ताकि कंटेस्टेंट घर के अंदर ना आ पाए। और निक्की और अरबाज ने तो अपोजिट टीम के बेबी के लंगोट भी छुपा दिए थे ताकि वो बेबी के लंगोट चेंज ना कर पाए। और टास्क के दौरान हमें इतना एग्रेशन देखने को मिला कि निक्की अपोजिट टीम के बच्चे को जबरदस्ती खींचने लगी थी। और जो इस टास्क के संचालक थे, उन्होंने भी इस गेम को काफी अनफेयर तरीके से खेला और छोटे से छोटी बात को लेकर अपोजिट टीम के पॉइंट्स को काटने लगे। अब तक कि हमें कंटेस्टेंट एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करते हुए भी दिखाई दिए। तो अब देखना ये होगा कि बिग बॉस इन सब को कैसे कंट्रोल करते हैं और किस टीम के पास सबसे ज्यादा पैसे आ पाते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।